नमस्कार, गोड्डा झारखंड समेत देश दुनिया की बड़ी खबरों में आप सबका स्वागत है। प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर आपके पास पक्का मकान नहीं है तो आपको भी मिलेगा इसका लाभ। देश से अगली बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है, बेरोजगारों को 50% सैलरी का रास्ता साफ, सरकार ने किया यह काम। झारखंड के गोड्डा पोड़ैयाहाट रेलवे लाइन का काम तेज, बहुत जल्द होगा रेल का आगमन। देश से अगली बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है, 7 दिन के बाद खुल जाएंगे स्कूल, बच्चों को भेजने से पहले जान ले ये बातें। मंडी से रसोई तक पहुंचने में 2 गुने से ज्यादा हो जाते हैं सब्जियों के दाम। देश से अगली बड़ी खबर सामने निकलकर आ रहा है, अगर राशन कार्ड आपके पास नहीं है और अगर राशन कार्ड आप बनवाना चाहते हैं तो आप सावधान हो जाएं, छोटी सी गलती से हो सकती है 5 साल की सजा। अब समाचार विस्तार से। इससे पहले जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिए और साथ साथ में एक कमेंट कीजिएगा कि आप कहां से हो, मुझे भी पता चले कि आप कहां से हो। पीएम आवास योजना के नियम और शर्तों के अनुसार इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जिन परिवारों के पास पक्का का मकान नहीं है। इसके अलावा बीपीएल कार्डधारी, एसटी, एससी और अल्पसंख्यकों को इसका लाभ मिलता है। इसके अलावा अन्य श्रेणी के बीपीएल कार्डधारकों को भी यह लाभ उठा सकता है। इनमें रिटायर और शहीद हुए रक्षा कर्मियों के परिजन, अर्ध सैनिक बलों के सैनिकों की विधवाओं और आश्रित परिजन इसका लाभ ले सकते हैं। कोरोना संकट में बेरोजगार हुए औद्योगिक कामगारों के लिए सरकार ने बहुत अच्छी खबर दी है। श्रम मंत्रालय ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत बढ़ाने के फैसले को अधिसूचित कर दिया है। इससे ईएसआईसी के सदस्य कर्मचारी को करीब 50% अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने का रास्ता साफ हो गया है। इस निर्णय से करीब 40 लाख कामगारों को फायदा हो सकता है। यह फायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर तक नौकरी चली गई हो। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी द्वारा संचालित योजना है। महामारी के दौर में नौकरी गंवाने वालों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्कर्स को यह सुविधा दी जाएगी। वे 3 महीने के लिए औसत सैलरी का 50% क्लेम कर सकते हैं। पहले यह सीमा 25% थी। झारखंड के गोड्डा पोड़ैयाहाट रेलवे लाइन का काम तेज, बहुत जल्द होगा रेल का आगमन। पोड़ैयाहाट गोड्डा के बीच रेल लाइन के काम में तेजी आने से लोगों की उम्मीद बढ़ गई है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो गोड्डा के लोगों को रेल की सीटी सुनने के लिए 6 महीने का मात्र इंतजार करना पड़ सकता है। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मार्च 2021 में इसका उद्घाटन किया जा सकता है। हालांकि अभी कोई इसकी अधिकारी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कार्य की गति काफी तेजी से चल रही है। लॉकडाउन के कारण 2.5 माह से निर्माण कार्य बंद था। इसके बाद जब कार्य प्रारंभ हुआ तो बेड बनाने वाला पुल का संपर्क पथ बनाने में बरसात काफी बाधा उत्पन्न कर रही है। कठोन होल्ड से 2 किलोमीटर आगे तक लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। मिली जानकारी के अनुसार निर्माण कार्य में गति लाने का निर्देश दिया गया है। गोड्डा और पोड़ैयाहाट के बीच तकरीबन 16 किलोमीटर तक लाइन बिछाने का कार्य किया जाना है, लेकिन पोड़ैयाहाट गोड्डा के बीच तकरीबन 10 किलोमीटर तक लाइन बिछाने का कार्य पूरा किया जा चुका है। साथ ही तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा पुल पुलिया का काम भी पूरा हो चुका है। नवदीप भटोंदा के पास बने पुल में संपर्क पथ पर मिट्टी भराई का कार्य का अभी बाकी है। पुल संख्या 40 एवं 44 भी तकरीबन पूरा हो चुका है। अब इसका संपर्क पथ पर मिट्टी भराई का कार्य चल रहा है। देश से अगली बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, 7 दिन के बाद खुल जाएंगे स्कूल, बच्चों को भेजने से पहले जान ले ये बातें। कोरोना महामारी के कारण मार्च से बंद स्कूल देश के कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 21 सितंबर से खुलने जा रहा है, लेकिन ये अपनी इच्छा का होगा। यानी कि जो छात्र स्कूल जाना चाहेंगे वो अपने शिक्षकों से सलाह लेने के लिए जा सकते हैं, लेकिन स्कूल किसी को स्कूल जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। आपको बता दें कि मार्च में कोरोना के दस्तक के बाद से ही स्कूलों पर ताला लटका हुआ है। कोरोना काल में बच्चे अब तक ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। अभी जब तक कोरोना का खतरा टल नहीं जाता और सरकार की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आते, 1 से 8 तक की कक्षा के बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। आप जान लीजिए स्कूल जाने से पहले ये बातें। गाइडलाइंस के अनुसार सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूल खोले जा सकेंगे और कंटेनमेंट जोन के बाहर रहने वाले स्टाफ और स्टूडेंट को ही स्कूल में एंट्री दी जाएगी। यदि आपके बच्चे का स्कूल कंटेनमेंट जोन में है या फिर आपका घर कंटेनमेंट जोन में है तो आपके बच्चे का
बच्चे को स्कूल जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्कूल आने वाले छात्रों के पास अभिभावक की लिखित अनुमति होना जरूरी है। छात्रों का स्कूल आना किसी भी तरह से अनिवार्य नहीं होगा, यह सिर्फ वॉलंटियरी बेसिस पर निर्भर करेगा। स्कूल में छात्रों, शिक्षकों और अन्य स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक होगा। क्लास में भी सभी तरह के नियम लागू होंगे। कोरोना से जंग को लेकर पहले से जारी नियमों और गाइडलाइंस के साथ सरकार ने स्कूलों के लिए अलग से विस्तार से निर्देश जारी करने का काम किया है, जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय के वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होनी जरूरी है। इसके अलावा फेस कवर, मास्क अनिवार्य किया गया है। फिलहाल बायोमेट्रिक अटेंडेंस से दूर रहने को कहा गया है। स्कूल के अंदर भी थोड़ी थोड़ी देर में हाथों को साबुन से धुलना या सैनिटाइज करना जरूरी है। स्कूल परिसर में इधर उधर थूकने पर पाबंदी है। गेट पर हर छात्र और स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। गेट पर ही उनके हाथ पर सैनिटाइज कराने की व्यवस्था होगी। बच्चे अपना कोई भी सामान जैसे पेन, पेंसिल, नोटबुक या कोई अन्य सामान आपस में शेयर ना कर सकेंगे। साथ ही स्कूल के ग्राउंड में किसी भी तरह खेल या शारीरिक एक्टिविटी की इजाज़त नहीं होगी। स्कूल आने वाले सभी लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना जरूरी है। साथ ही सभी स्कूल को प्लस ऑक्सीमीटर का इंतजाम करना जरूरी है। यह जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि जो सब्जी मंडी में 25 से 30 रुपए किलो मिलती है, वह आपकी रसोई तक पहुंचते पहुंचते 50 से 60 रुपए किलो तक हो जाती है। सब्जियों के थोक और खुदरा दरों में इस तरह समय दोगुने से ज्यादा का अंतर है। इस फर्क का खमियाजा लोगों को अपनी जेब ढीली कर चुकाना पड़ रहा है। सब्जियों के दाम में वृद्धि होने से जहां इलाके व गुणवत्ता के हिसाब से कॉलोनियों में आलू 30 से 50 रुपए किलो मिल रहा है, वहीं टमाटर की कीमत भी 50 से 60 रुपए प्रति किलो है। इनमें सबसे अधिक दाम मटर और धनिया के हैं। मटर 120 से 140 रुपए किलो और धनिया 200 रुपए किलो तक है। दूसरी सब्जियों की कीमतें भी कमावेश सामान्य दिनों से बहुत ज्यादा है। देश से अगली बड़ी खबर सामने निकल कर आ रहा है। अगर राशन कार्ड आपके पास नहीं है और अगर राशन कार्ड आप बनवाना चाहते हैं तो आप सावधान हो जाएं, छोटी सी गलती से हो सकती है 5 साल की सजा। भारत में आमतौर पर 3 प्रकार से राशन कार्ड बनते हैं। गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले लोगों को FEL, गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए VPL और सबसे गरीब परिवारों के लिए अंत्योदय। राज्य सरकारें अपने नागरिकों को राशन कार्ड जारी करती है, लेकिन अगर आप गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ राशन कार्ड बनाते हैं तो आपको जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। सरकार ने राशन कार्ड को गरीब नागरिकों को बेहद सस्ती दर पर अनाज मुहैया कराने के लिए जारी किया था। सस्ते अनाज के अलावा राशन कार्ड के अनेकों फायदे हैं, जिसकी वजह से आमजन किसी भी कीमत पर राशन कार्ड को पाने की फिराक में रहते हैं। लेकिन फर्जी राशन कार्ड बनवाने वालों को लेकर सरकार सख्त हो गई है। भारत सरकार के फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अगर आप फर्जी राशन कार्ड बनाते हैं तो आपको 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसलिए अगर आप राशन कार्ड बनाते हैं तो सही जानकारी ही खाद्य विभाग को दें। अगर सही जानकारी आप नहीं देते हैं और आपको तो पछताना पड़ सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड पब्लिसिटी सुविधा लागू कर चुकी है। अब तक इस सुविधा से देश के 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो चुके हैं। इस सुविधा के जरिए उपभोक्ताओं को अब दूसरे राज्यों में भी राशन मिल सकता है। इसके लिए अब उस व्यक्ति का उस राज्य का निवासी होना जरूरी नहीं है। इसके साथ ही आज के समाचारों बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।